नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लंग्स के ऊपर है। हमारे जो फेफड़े होते हैं शरीर के, वो किस तरीके से काम करते हैं, उसमें किस तरीके से हवा जाती है और कैसे फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो दोस्तों कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। एक प्लास्टिक की बढ़नी जो होती है, जो इजीली मिल जाती है किराने की शॉप पे, बढ़नी थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। और एक गुब्बारा चाहिए, 10 रुपये का गुब्बारा आता है। और एक एल चाहिए जो कूलर के अंदर हमारी लगी रहती है। ये दो मुंह होते हैं, इसको बीच में से हम छेद कर लेते हैं। इसके अंदर ये हमारा जो बॉल पेन है, जो इजीली खाली मिल जाएगा आपको पुराना, उसको हम इस तरीके से ग्लूगन की सहायता से पेस्ट कर लेंगे, चिपका देंगे। अब जैसे नीचे जैसे हवा जाएगी तो दोनों जो पाइप है उनमें से हवा बाहर निकलेगी। एक छोटे छोटे दो गुब्बारे होंगे रेड कलर के, वो हम इस एल के अंदर, जो कूलर का एल होता है पानी वाला पंप के ऊपर लगता है, उसके हम इसको डाल देंगे दोनों को। और इसको डालने के बाद हम जो ये बॉल पेन है, इसका बॉल पेन का पाइप है, उसको हमारी जो प्लास्टिक का जार है, बर्नी है, उसमें कुछ इस तरीके से लगा देंगे ताकि इस पर स्टैंड हो जाएंगे। और नीचे इसमें छेद कर देंगे ताकि वहाँ से हवा इन फेफड़ों के अंदर घुस सके। आयरन, सोल्डिंग आयरन की सहायता से हम इसमें छेद कर सकते हैं दोस्तों। सोल्डिंग आयरन गर्म करेंगे और नीचे से सेंटर के अंदर नीचे छेद करेंगे। हमारी बर्निंग के अंदर नीचे का हिस्सा थोड़ा घुसा हुआ, दबा हुआ होना चाहिए ताकि हमारी जो पाइप हो इस बाहर अड़े नहीं। देखिए दोस्तों, एक मैंने इसमें छेद कर लिया है। और इसके अंदर जो मैंने जो पाइप लगाया था बाल पेन का, वो इसमें इजीली घुसना चाहिए। और उसको घुसने के बाद इसमें हम चिपका देंगे ग्लूगन की सहायता से। ग्लू स्टिक आती है, उसको गर्म करके भी आप चिपका सकते हैं अगर आपके पास गन ना हो तो। देखिए दोस्तों, आपको बर्नी थोड़ी चौड़ी लेनी है ताकि उसके जो लंग्स हैं वो अड़े नहीं। एक बड़ा जो 10 रुपये तक का गुब्बारा आता है पार्टी वगैरह, बर्थडे पार्टी में इसको यूज़ करते हैं, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। उसके ऊपर जो बर्नी का मुंह है उस पर चढ़ा लेंगे दोस्तों। सारी जो हम जो भी चिपकाएंगे, जो बॉल पेन चिपकाएंगे, वो लीक प्रूफ होना चाहिए, उसमें एयर साइडों में से नहीं घुसनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसको हम यूँ चढ़ा लेंगे। दोस्तों इस बर्नी में प्रॉब्लम आ रही है कि ये थोड़ी चौड़ी कम थी, इसलिए मैंने इसको दूसरी बर्नी में बना के दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों दूसरी बर्नी है जो थोड़ी सी चौड़ी है, उससे उससे हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, गुब्बारे हैं, वो साइडों में टकराते नहीं हैं, उसमें टकराने की प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे आप ऊपर वाले बलून को खींचेंगे तो इसमें जो इसके जो फेफड़े हैं वो खुल जाएंगे, और जैसे ही दबाएंगे सिकुड़ जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से वर्किंग है। आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी सस्ता प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छी तरीके से वर्किंग करता है। छोटे क्लास, फोर्थ क्लास, वन क्लास, सेकंड क्लास तक के प्रोजेक्ट ये काम में ले सकते हैं आप। ओके दोस्तों, अगर मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।